नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम चौधरी। स्वागत है आप सभी का एचपी एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच का ऐलान किया है कि 6 फरवरी से महाहड़ताल होने वाली है दोस्तों। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन जो ज़्यादातर कौन कौन सी डेट को हड़ताल होने वाली है, तो वो आप पूरा इस वीडियो को देखना। और देखने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, आप खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए, बात कर लेते हैं कि देखिए संविदा कर्मियों ने मांगा 25,000 रुपये वेतन। और यहाँ पर देखिए, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय पर दिया धरना था, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 21 जिलों में होगा धरना प्रदर्शन, और प्रदर्शन 28 को मशाल जुलूस होगा। तो यहाँ पर देखिए, 21 तारीख को तो यहाँ पर जिलों में जो है धरना प्रदर्शन होगा, और 28 जनवरी को मशाल जो है जुलूस होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पुरानी पेंशन की मांग के समर्थन में कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच की ओर से 6 से 12 फरवरी तक महाहड़ताल की घोषणा की गई है। और मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि महाहड़ताल से पहले करीब 21 जनवरी को जिलों में धरना प्रदर्शन होगा, और 28 जनवरी को प्रदेश के सभी जनपद में मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। और 6 से 12 फरवरी को आंदोलन का आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, आपको ये भी बता देता हूँ कि देखिए, आयकर की छूट सीमा 5,00,000 रुपये की जाए, ये भी मांग है। और यहाँ पर देखिए, रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों ने सरकार को चेताया है कि उनकी जो है पेंशन की जाए। और कई समस्याओं को लेकर सैकड़ों बैंक कर्मचारियों ने शुक्रवार को हजरतगंज स्थित इलाहाबाद बैंक कार्यालय पर धरना दिया। और इस दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, और बैंक पेंशनरों और रिटायरीज ने विभिन्न संगठनों द्वारा कोऑर्डिनेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स, यहां पर रिटायरीज संगठन CPPRO एवं ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन, यहां पर उनको संयुक्त तत्वाधान में यह प्रदर्शन हुआ, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जन जागरण का दूसरा दौरा 16 से शुरू होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हरिकिशोर तिवारी ने बताया है कि इस दिशा में जिलों में जन जागृति का पहला दौरा हो चुका है, ठीक है। तो आपसे यही निवेदन करता हूँ दोस्तों कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।